इस समय गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, बस्ती इत्यादि जिलों में जीएसटी की जांच धड़ल्ले से चल रही है। ऐसे में बाजारों में कोरोना काल की तरह से सन्नाटा फैला हुआ है। बाजार में सारी दुकानें बंद हैं। इससे आम जनता को बहुत ही ज्यादा कष्ट का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सुविधाएं उन्हें नहीं मिल रही हैं। देखिए, बाकी दुकानदारों के लिए मैं तो नहीं कह सकता हूँ कि क्या कुछ है, लेकिन मैं खाद की दुकानों के लिए कह सकता हूँ कि उन्हें, जो छोटे व्यापारी हैं जिन्होंने जीएसटी नहीं बनवा रखी है, उन्हें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो भी उनका पर्चा है उनमें वो सी जीएसटी, यस जीएसटी सारा देते हैं। उसके बाद उन्हें माल मिलता है, जैसा कि आप पर्चे में देख भी सकते हैं। और मैंने एक बार और भी दिखाया था, कालाबाजारी वाले वीडियो में मैंने दिखाया भी था कि कैसे क्या सब है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप मेरे पर्चे में देख सकते हैं कि सी जीएसटी, यस जीएसटी, यानी कि टैक्स हम लोग चोरी करके नहीं लाते हैं, सारा दे करके लाते हैं। लेकिन फिर भी छोटे जो दुकानदार हैं वो परेशान हैं, उनकी दुकानें बंद है, लोगों को और किसानों को ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। उन्हें घबराने की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक कहानी है छोटी सी, जो आपने सुनी होगी, और मैं भी कम शब्दों में आपको सुनाई देता हूँ कि एक बार एक जंगल में कुछ वन अधिकारी पहुंचे शेर को पकड़ने के लिए। तो वहां पर खरगोश खूब तेजी से भागने लगा। रास्ते में उसे हाथी मिला तो उसने पूछा, खरगोश भाई कहाँ भागे जा रहे हो? तो बोला कि कुछ वन अधिकारी आए हैं शेर को पकड़ने के लिए। तो हाथी बोला, लेकिन तुम तो खरगोश हो, तुम क्यों भागे जा रहे हो? खरगोश बोला, मैं जानता हूं कि मैं खरगोश हूं, लेकिन ये इंडिया है, यहाँ पर अगर मुझे पकड़ लेकर के चले गए ना, तो ये साबित करने में मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी कि मैं खरगोश हूं। और ऐसा सुनकर के हाथी भी उसके साथ भागने लगा। तो यही है, इसी के कारण हमारी जो, जिन्हें जीएसटी की जरूरत नहीं थी है, वो भी दुकानें बंद हैं और किसानों को कष्ट हो रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। खैर, आप समझदार हैं और समझदारों के लिए ये इशारा काफी है।